नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। डीजे शोभा अहोटकर के खिलाफ काला पट्टी लगा कर युवाओं ने किया मौन प्रदर्शन। आज भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर बड़ी संख्या में युवा सड़क पर उतरे और डीजे शोभा अहोटकर के खिलाफ काली पट्टी लगाकर मौन प्रदर्शन किया। साथ ही बिहार सरकार से आईजी विकास विभाग को दिए गए नोटिस को वापस लेने की मांग और डीजी पर कार्रवाई करने की मांग युवाओं ने की। दरअसल विकास वैभव ने बीते दिनों ट्वीट कर डीजी शोभा अहोटकर द्वारा अपशब्द बोलने का आरोप लगाया था। इसके बाद डीजी ने उन्हें नोटिस थमाया था। इसके बाद जगह जगह डीजी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश में आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे जो विकास वैभव सर है, जो आईजी हैं होम गार्ड वर्तमान में और फायर के, जिनमें सत्य के साथ सील है, शौर्य के साथ धैर्य है और कर्म योग के साथ ईश्वर पर भरोसा है, ऐसे महान बिहार के लाल जो ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, समय पाबंद हैं, 9:30 बजे ऑफिस जाते हैं और 6:30 बजे तक ऑफिस में रहते हैं, एक भी फाइल टेबल पर नहीं रहता है, सारे फाइल को समय से संपादित करते हैं, बिहार में बहुत सारे कार्य किए हैं जिसको हम गिना नहीं सकते हैं, ऐसे हमारे महान बिहार के लाल को उनके सीनियर पदाधिकारी ने, शोभा जी ने जो वाणी का उन्होंने दुरुपयोग किया है उससे हम बहुत आहत हैं, पूरे बिहार के लोग आहत हैं। भागलपुर में आज हम सभी मित्र विभिन्न क्षेत्रों से, शिक्षा से, राजनीति से, व्यवसाय से, सभी लोग छात्र हैं, सभी लोग ये इस कार्यक्रम से विरोध अपना जता रहे हैं। वैभव सर सिर्फ एक पुलिस पदाधिकारी और सिर्फ एक IPS नहीं, बल्कि हम लोगों के लिए, पूरे बिहार के लिए मान सम्मान और हमारा अभिमान है। और ऐसे अधिकारी जिन्होंने पुलिस पब्लिक रिलेशन का एक अद्वितीय नमूना पूरे बिहार में पेश किया है, जैसे लोग आम जनमानस पुलिस से बात करने से डरते थे, लेकिन विकास वैभव सर जैसे अधिकारी जब भागलपुर में DIG रहे तो एक आम फरियादी भी बड़े ही सुलभ तरीके से उनसे मिल सकता है, उन्होंने एक मिसाल कायम किया। और ऐसे पदाधिकारी पर, एक बिहार का होने पर, उन पर बिहारी अपमानजनक शब्द प्रयोग कर सिर्फ उनका अपमान नहीं किया गया, ये बिहार के एक एक लोगों का अपमान है और ऐसे अपमान को बिहार का कोई लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।